Where you want all your heading label to have the same color, instead of making a CSS rule for each heading separately. Okay, I mean separately kichi heading define no kariki. We have to use a selector. You can use a group them. Similar, you may also want to apply the same foreground color on the paragraph and the second label heading in a web page. However, providing many ID for class selector might become confusing. This can also make the HTML code complex. मैंने आम धर सेम स्टाइलटा को मल्टीपल एलिमेंट आम डिफाइन करवाक चाहूचे तो आम क्लास सिलेक्टर डिफाइन करपर कि क्लास सिलेक्टर बार बार क्लास सिलेक्टर डिफाइन करें जो प्रोग्राम लिखा तो इट मेक यू कन्फ्यूजिंग एंड कम्प्लेक्स तो से आम यूज करवा कौन ना नेस्टिंग स्टाइल यूज करवा इन ए स्टाइल यू क्या इनक्लूड अनदर स्टाइल तो नेस्टिंग स्टाइल आम यूज करवा कौन ना ये दी प्रकार सिलेक्टर यूज करवा धर आम पाराग्राफ हेडिंग पाई ओके आम जब सेम स्टाइल दबा को चाहूचे तो से जगह आम ग्रुपिंग नेस्टिंग स्टाइल यूज कर तो फास्ट हूँ ग्रुपिंग ग्रुपिंग अंडर कौन रहा ग्रुपिंग स्टाइल आर यूज टू डिस्प्ले एंड अप्लाय द सेम स्टाइल अन् मोर दैन वन सिलेक्टर धर पाराग्राफ हेडिंग जब मत सेम स्टाइल दबार अच्छे तेल मु ग्रुपिंग स्टाइल यूज करी सिलेक्टर वन सिलेक्टर टू एटा यूज करके ग्रुपिंग करी तो सिलेक्टर वन स्पेसिफाई द आईडी और क्लास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टाइल सिलेक्टर टू स्पेसिफाई द नेम एंड आईडी ऑफ द सिलेक्टर एलिमेंट एटा यूज करी हबो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हमें को कलर को स्टाइल हमें दबा सेटा यूज करी परबा तो एटा देखो छी ग्रुपिंग स्टाइल टा केमती आसीबो तुम्हें कहीं से डिजाइन कलनी कि मत पठेलानी तो डिजाइन कर पठाओ सरा कले तुम गोटे लाइव प्रोजेक्टर पक Okay, so now I show the example of grouping style. हम देखो ये ठीक, वो एक छोटी example रहेला। हमें H1 और P heading और paragraph में हमें ये same style define करेगा। Color red,
जिते थर आम हेडिंग एच ओन आ पाराग्राफ यूज करवा वेब पेज भितर तार कलर टा आमर रेड आसो दैट इज अ नेस्टिंग ग्रुपिंग स्टाइल सो आई शो द एग्जांपल फर्स्ट हमें डिफाइन करिवा एचटीएमएल एंड ऑफ एचटीएमएल व्हाट इज हेड दी हेड टैग यूज करिवे हेड अंडर रे हमें यूज करिवा कोन स्टाइल स्टाइल एंड ऑफ स्टाइल स्टाइल टैग यूज करिवा तो स्टाइल पर पकेवा सपोज एच वन आ पाराग्राफ तो कलर ये दबा हमें सीओ एलओ आर कलर इज रेड रेड पास कर HTML रो बॉडी देन एंड ऑफ बॉडी टैग हमें यूज करले बॉडी भीतर हमें पास करिबा कौन सपोज आई पास यार H1 This is heading one. Then H1 is end here. Then now I pass paragraph. This is paragraph. 1P. Okay. So it among store poly element. फाइल सेव एज grouping ex.html This one, this is heading one, and this is paragraph.
जोड़ा हेडिंग अच्छे सेटा एच वन देखे जो पाराग्राफ अच्छे देखे हमें ग्रुपिंग कले ना मोर दैन वन एलिमेंट को हमें सेम स्टाइल रे पुट करवा ग्रुपिंग यूज करवा बुझिपाल आत्मज्योति अंकित यो अंकिता शुभम दिशा आउ गोटे हमें यूज करवा नेस्टिंग स्टाइल द स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड टू द नेस्टेड एलिमेंट बाय यूजिंग द क्लास एंड आईडी सिलेक्टर ओके सो हाउएवर यूजिंग सच सिलेक्टर में समटाइम्स इंक्रीज द साइज ऑफ द कोड और ऐड टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी देयरफॉर टू अचीव द कोड ऑप्टिमाइजेशन सीएसएस इंट्रोड्यूस द नेस्टिंग of style with nesting style you can apply the style for an element within an element gote element bhitare ame a gote element ta ko ame stylize kariba jodi ta seti ame nesting style use karibo so within the one element we can stylize the another element so that is called as the nesting okay so nesting element you have to stylize one element within the another element ओके सो ये आमर अच्छी एलिमेंट ग्रेटर देन एलिमेंट टू दैट मीन्स व्हाट सिलेक्ट ऑल द पाराग्राफ एलिमेंट वेयर डिविजन इज देयर इमीडिएट पेरेंट ओके माने डिविजन टा रहइबो पेरेंट ता भितरे जो पाराग्राफ रहइबो सब पाराग्राफ को सेम स्टाइल ले से कन्वर्ट करइबो यदि मु खाली डिविजन एंड पी लिखिबी सिलेक्ट ऑल द पाराग्राफ एलिमेंट इनसाइड द डिविजन ऑल द पाराग्राफ एलिमेंट डिविजन अंडर रे जते पाराग्राफ एलिमेंट अछि तको से स्टाइलाइज करिवो एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 सिलेक्ट ऑल पाराग्राफ एलिमेंट दैट इज प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द डिविजन रे तेरा प्लस आसीओ एलिमेंट टाइल एलिमेंट 2 सिलेक्ट ऑल द पाराग्राफ एलिमेंट दैट फॉलो द डिविजन एलिमेंट तो एबे हमें देखिबा नेस्टिंग स्टाइल टा एटारे करूछि फाइल न्यू प्रोजेक्ट दिस इज ए HTML टैग नेस्टिंग स्टाइल स्टाइल एंड हला
division and paragraph. So that means it is a coconut. So division and paragraph. May pass for your background. Suppose red. Background is red. Now in the body part of the HTML, we pass suppose H1. This is heading one. H1, then we pass here paragraph. This is my paragraph. The paragraph end, this is heading and this is paragraph body. Then we pass here division. Now we pass here division. Then end of division. A division under a paragraph pass through. Lekhiwa paragraph one inside division. Paragraph two inside division. Paragraph three inside division. So three paragraph we define. Then after the paragraph, the division poem out a paragraph define goes in. Paragraph four. After division. देखे टिकॉम CSS है ला division and paragraph. जो paragraph कुड़ा को division under है थी वो, तारा color red है सी वो. अब हमें run करके देखिए वा. एटा दिस इज माय पैराग्राफ आउ हेडिंग जोडा कि पैराग्राफ बाहर अछि मु कोड सहित कंपेयर करू छी. देखो देखो बॉडी भीतर रहला दिस इज हेडिंग 1 एटा देखैला दिस इज माय पैराग्राफ एटी शो कला किंतु ए जो डिवीजन अंडर रे जो पैराग्राफ अछि से गुडा के केवल रेड आसेला आउ डिवीजन बाहर जो पैराग्राफ अछि से तरह नेचुरल कलर बा जो डिफॉल्ट कलर अछि से कलर आसेला. एटा ला नेस्टिंग स्टाइल गोटे एलिमेंट भितर गोटे टैग भितर हमें आ गोटे टैग रो डिजाइन हमें चेंज करि परिबा.
कलर नेस्टिंग स्टाइल Then next is okay, so there are division na the division aur example ache eta amra first example gala ei dita division and p then go to the division and greater than asle amra kon ase same paragraph mun hochi ame division greater than p use kariba डिविजन ग्रेटर देन पी ए स्टाइल ले हमरा कोन आसीओ देखो एटा उठे चेंज करी वारे वो बैकग्राउंड हला डिविजन ग्रेटर देन पी दिस इज हेडिंग वन एटा को मोटे सेक्शन ने पकोच सेक्शन इज अनदर एलिमेंट सेक्शन एंड ऑफ सेक्शन then ये paragraph भीतर आ गोटे मु पास करू छी this is paragraph 5 एबे हमें देखिवा हमें कहा को सेक्शन भीतर रखले paragraph 3 टा को एबे मु रन करू छी देखो तो जोड़ा paragraph 3 अछि देखो सेटा कलर आसलन सेटा अलग एलिमेंट आस से कहू जे डिविजन ग्रेटर देन पी हेले तर इमीडिएट चाइल्ड माने डिविजन भितर ही जोटे चाइल्ड अछि पुनी चाइल्ड भितर आ गोटे चाइल्ड सेक्शन टा होची डिविजन गोटे चाइल्ड चाइल्ड भितर आ गोटे चाइल्ड
ଯେଉଁଟା କହିବା ଆମେ ନାତି ସିଷ୍ଟମ ଯଦି କହିବା, ତ ତାକୁ ସେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସେ କରିବ। ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଅଛି ତାକୁ ସେ କିଛି ମଡିଫାଏ କଲାନି। ମାନେ ଏଠି ପାରାଗ୍ରାଫ ଥ୍ରୀଟାକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା, ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଲା, ଦୁଇଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ତାକୁ ରେଡ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥ୍ରୀଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ସେକ୍ସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କଲା ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ପି, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା ୟୁଜ୍ କରିବା କୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ରେ, ତାମାନେ ରହୁଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ମାନେ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଲର୍କୁ ସେ ରେଡ୍ କଲା। ତ ଏଠି ଆମର ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ କୋଉଟା ରହିଲା, ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାନ୍, ପାରାଗ୍ରାଫ ଟୁ, ପାରାଗ୍ରାଫ ଫାଇଭ, ଏଇ ତିନିଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ରହିଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥ୍ରୀଟା କ'ଣ କଲା, ଇଏ ସେକ୍ସନ ଭିତରେ ରହିଲା, ମାନେ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଇଲ୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ସବ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ମାନେ ଇଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଇଏ ଚାଇଲ୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ନାତି ଯୋଉଟା କହିବା, ଆଉ ଆକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କଲର୍ଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆସିଲା, ଥ୍ରୀଟାକୁ ସେ କିଛି ମଡିଫାଏ କଲାନି ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାପରେ ଫାଇଭ କୁ ସେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଭିଜନ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ପି। ତାପରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଡିଭିଜନ ପ୍ଲସ୍ ପି। ଡିଭିଜନ ପ୍ଲସ୍ ପି ହେଲେ ତାର ଆଡ଼ଜେସେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଡିଭିଜନ ଏଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଉଛି, ୱାନ୍ ଟୁ ଫୋର୍, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ମୁଁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି। ହେଲା ସିକ୍ସ, ସେଭେନ୍, ଏଇଟ, ଦୁଇଟା ଡିଭିଜନ ଡିଫାଇନ୍ କରିବି। ଡିଭିଜନ ନାଇନ ଆଫ୍ଟର ଡିଭିଜନ, ଦେଖ ଯୋଉଟା ପାରାଗ୍ରାଫ ଇନସାଇଡ୍ ଡିଭିଜନ, ଇନସାଇଡ୍ ଡିଭିଜନ କୋଉଟା ରହିଲା, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଜଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପରେ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ରେଡ୍ କଲା। ସେମିତି ସିକ୍ସ ସେଭେନ ଇନସାଇଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ଡିଭିଜନ ଡିଭିଜନର ଇମିଡିଏଟ ଟ୍ୟାଗ, ଡିଭିଜନର ଇମିଡିଏଟ ଟ୍ୟାଗ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର କଲର୍ ସେ ରେଡ୍ କଲା। ଏଠି ଡିଭିଜନ ୱାନ୍, ଡିଭିଜନ ଟୁ, ୱାନ୍ ଫାଇଭ, ଏଇଟା ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ତାର ପରେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ରହିଲା ଫୋର, ପୁଣି ସିକ୍ସ ସେଭେନ ଏଇଟ, ତା ପରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ରହିଲା ନାଇନ, ବୁଝିହେଲା।
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଲା ତ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଅଙ୍କିତା ଶୁଭମ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ नेक्स्ट आम जीवा डिविजन टाइल्ड टाइल्ड सिंबल पी सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट दैट फॉलो द डिविजन तो टाइल्ड सिंबल पे हम जीवा टाइल्ड सिंबल फर्स्ट आम दे पाराग्राफ वन केवल डिविजन रहा यटा को क्रॉस कर outside division if you want to this is heading 2 the heading 2 right now then the paragraph outside division paragraph 3 defined course ଆଉଟି ଯା ଅଛି ହଟେଇଦେବେ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲା ଓହୋ ଏଠି ଗୋଟେ ପଳେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇଲ୍ ସିମା ସେ ଏବେ ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି ଦେଖ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାନ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଟାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟୁ ଜଷ୍ଟ ନେବର ରହିଲା ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କୋଡ଼ ରଖିଲି ତାପରେ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ
जोटा अच्छे से आमर रेड कलर देखेगा तार्थ हूँ कौन ना द जनरल सिब्लिंग सिलेक्टर ऑल एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिब्लिंग स्पेसिफाइड एलिमेंट मैंने जहाँ भी एलिमेंट आम पास करवा डिजन पर जहाँ भी एलिमेंट अच्छे जहाँ भी पाराग्राफ आस सब रेड कलर रख मैंने यही जो डिजन पर आम जहाँ भी पाराग्राफ रखा धर पाराग्राफ थ्री गला तापर मुठी पाराग्राफ फोर भी डिफाइन कर कलर भी रेड देखे देख मैंने से डिजन पर जहाँ जिते थर पाराग्राफ आसो से थर सी आमको रेड कलर देख बुझेगा मुझे पठेदेवी।